हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिमान किचन हाउस। आज हम आपको फिर से नए शहर नई जगह लेके हैं। आज हम आपको होशियारपुर के पास पड़ते चब्बेयाल में लेके हैं, जहां हमने एक और न्यू प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट किया है। आप लुकआउट देख सकते हो उसका, जहां पे हमने HDHMR फ्रंट फिनिशिंग एक्रेलिक की लगाई है ब्लू कलर में, काउंटरटॉप नैनो वाइट लगाया हमने, नैनो वाइट की टाइल लगी हुई है बीच में। ये पूरा कंप्लीट हमसे ही हुआ है, जहाँ पे टाइल पत्थर चूल्हा चिमनी सिंक इंक्लूडिंग था सारा। यू शेप में किचन बना हुआ है पूरा। अभी इलेक्ट्रिसिटी का काम होने वाला है उन क्लाइंट का, तो हम आपको एक्सेसरीज दिखाते हैं क्या क्या लगी हुई है। सबसे पहले जहाँ पे क्लाइंट का फ्रिज आएगा, फ्रिज उसके लिए स्पेस छोड़ी हुई है हमने। इसी के साथ में पेंटी यूनिट आ गया, अंदर प्रोफाइल लाइट लगी हुई है कि जब पल्ला खोलो अंदर लाइट लगी होगी। एडजस्टेबल ग्लास है लगे हुए इसमें। इसी के साथ में हमारा ब्लाइंड कॉर्नर आ गया, एडजस्टेबल शेल्फ लगी हुई है इसमें। इसी के साथ में हमारी ग्लास वाले यूनिट आ गई, ब्लैक कलर का ग्लास है, ब्लैक कलर की प्रोफाइल लगी हुई है, अंदर प्रोफाइल लाइट पूरी घूमी हुई है, वुडन का टच है, हैंडलेस किचन है, ऑटो क्लीन ऑटो सेंसर चिमनी लगी हुई है कैप की, कैप का ही चूल्हा लगा है जहाँ पे फोर बर्नर में। इसी के साथ में हमने एक और चिमनी के साइड में ग्लास वाला बॉक्स दिया हुआ है, प्रोफाइल लाइट लगी है, नीचे भी सारी प्रोफाइल लाइट लगी हुई है इसकी। यहाँ पे विंडो के साथ में हमने एक और बॉक्सेस ऊपर दिए हुए हैं एडजस्टेबल शेल्फ के साथ, क्लाइंट अपने कंटेनर एक्स्ट्रा रख सकते हैं जहाँ पे। सिंक के ऊपर हमने डिश रैक दिया हुआ है बर्तन धो के रखने के लिए, अगर पानी गिरता है तो ट्रे में इकट्ठा हो जाता है, आप इसको बाहर निकाल के वॉश करके दोबारा फिर से अंदर लगा सकते हो। सिंक सेक्शन आ गया हमारा, 3 फीट का सिंक लगा हुआ है जहाँ पे। इसी के नीचे ऑटो लिड डस्टबिन आ गया, आप इसको बाहर निकाल के दोबारा यूज करके फिर से रख सकते हो। एंड सेकेंड तरफ डिटर्जेंट होल्डर आ गया, इसको भी आप बाहर निकाल के साफ करके दोबारा फिर से रख सकते हो। इसी के साथ में विकर बास्केट्स आ गई, आलू प्याज रखने के लिए, फ्रूट्स के लिए। इसी के साथ में हमारा ब्लाइंड कॉर्नर घुमा। ब्लाइंड कॉर्नर में क्या होता है, मोस्टली यूज नहीं होता, कई क्या करते हैं कि उसमें शेल्फ डाल देते हैं। हमने क्या किया, इसमें मैजिक कॉर्नर दिए हुए, आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, ग्लास वाला ये बाहर आ जाता है, आप आसानी से, आपको झुकने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। इसी के साथ हमने 2 पॉट एंड पैन दिए हैं विद प्लेट्स के लिए, आप इसको एडजस्टेबल है, आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग। पूरा किचन हाइड्रोलिक एंड साउंडलेस है। यहाँ पे हमारा होब आ गया, होब के नीचे सबसे पहले PVC कटलरी आएगी, वॉशेबल है, आप बाहर निकाल के इसको वॉश कर सकते हो। सेकेंड और हमारा स्पाइसेस के लिए आ गया, यहाँ पे हमने एप्पो कंपनी की एक्सेसरी यूज़ की है जर्मन की। थर्ड ड्रॉर बड़े बर्तन रखने के लिए आ गया, गैस का रूटीन का जो सामान है हमारा तीनों ड्रॉर्स में आ जाता है। इसी के साथ में आटा ट्रॉली आ गई, इसी के साथ में हमारा एक और एल कॉर्नर घुमा, उसमें हमने सी क्रोजर दिया हुआ है। सिलेंडर क्लाइंट का बाहर है, और नीचे से हम क्या करते हैं कि पूरा स्कार्टिंग लगा के किचन बंद कर देते हैं, ना डस्ट जाएगी, ना कॉकरोच जाएगी, ना शिपकली जाएगी। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा किचन, आप हमें व्हाट्सएप पे बता सकते हैं या इंस्टा पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने भी ऐसा किचन बनवाना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, 9988242224 पे कॉल कर सकते हैं। आप हमें अपने किचन की साइज भेज सकते हैं, किचन का फोटो और वीडियोज भेज सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम आपको एक 3D ड्राइंग तैयार करके देंगे और कोट करेंगे आपको अलग अलग मटीरियल के अकॉर्डिंग। अगर आपको मटीरियल
के अकॉर्डिंग हमारा कोट अच्छा लगता है, तो हम साइट विजिट करेंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बरी के पॉइंट कहाँ कहाँ पे आने हैं वो सारे आपको हम बताएंगे। अगर आपने भी ऐसा किचन बनाना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।